जरूर आएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ बाबू भैया के पास। अच्छा। आप लोग के बाबू भैया जा रहे हैं, अनुराग के पास मैं जा रहा हूँ उसकी बाइक लेने H2। तो मैंने डिसाइड ही कर दिया कि हम लोग H2 बेच ही देते हैं। आ गई H2 की पेमेंट ऑलमोस्ट पूरी, मैंने H2 की पेमेंट भी ले लिया गाइस। H2 से UK जिले से राइडर का स्टिकर उतर चुका है। या UP में कोई भी है अगर संतोष के चैनल के थ्रू आता है मेरे शोरूम पे तो हम उसको स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। और ये अपना छोटा भाई हमारा यहाँ पे अपनी जनता देखो हर जगह मिल जाती है देखो संतोष। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस ये वाली वीडियो जो होने वाली है वो एक नॉर्मल सी होने वाली है। गाइस सबसे पहले तो मैं एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ, स्टोरी क्रिएट कर रखी है उसको बताना बाकी है, ठीक है भाई। आपने थंबनेल में देखा, टाइटल देखा और बाकी आपने स्टार्टिंग इंट्रो देख ही लिया होगा कि वीडियो कैसी होने वाली है। तो गाइस हम पूरी स्टोरी एकदम नहीं बताएंगे, स्टार्टिंग से बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। सुबह जैसे ही उठा तो मैं काम पे जाना था, ठीक है, होटल में। तो मैं वहाँ पर गया तो मुझे जो हमारे सर है ना अजय सर, उनने बोला था कि वहाँ पर ना कोई मतलब जो राइडर आ रहे हैं। मैं होटल में पहुँचा, फिर मैं उन भैया से मिला, नीतीश भैया से मिला मैं। तो भाई मिलके बहुत अच्छा लगा सच में यार। मैंने उन्हें देखा था पहले इंस्टाग्राम पे, देखता था उनकी वीडियोस, मतलब जो बाइक की वीडियो डालते थे ना, तो गाइस मैं उनको फॉलो करता था। और मैंने उनसे बहुत सारी चीजें पूछी यूट्यूब के बारे में कि आजकल क्या चल रहा है यूट्यूब के, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है और वो क्या प्लान करने वाले हैं। तो गाइस एक बहुत बड़ा जो है इसमें टॉपिक वो ये है कि जो नीतीश भैया हैं वो अनुराग जो है हमारे UK07 राइडर बाबू भैया हैं जो उनकी बाइक ले रहे हैं भाई। हम लोग H2 बेच ही देते हैं। आ गई H2 की पेमेंट ऑलमोस्ट पूरी, मैंने H2 की पेमेंट भी ले लिया गाइस। ऑलमोस्ट 2 दिन में फाइनली हमारी बाइक घर से निकल जाएगी, सही है। बट द थिंग इज गाइस लास्ट के 2 व्लॉग्स में मेरी बात चल रही थी आप लोगों से कि बेचते नहीं बेचते, जब मैंने व्लॉग डाला कि मैं बेच रहा हूँ सो लोग वर इमोशनल कि भाई बाबू भैया H2 मत बेचो, H2 मत बेचो। मैं आपको बता देता हूँ गाइस नई H2 फाइनल हो चुके, यही इसीलिए मेरा डिसीजन इतना डाइसी था ना, मैं इतना ज्यादा डाइसी कि बेचूं ना बेचूं, बेचूं ना बेचूं, बट मैंने ना बेच दिया बिकॉज बहुत दुखद सीन है लेकिन क्या कर रहे हैं बाइक से अपना स्टिकर उतारने के लिए बेच दिया H2 को। सो गाइस हाँ जो बाइक बाबू भैया से ली है वो नीतीश भैया ने ली है और वो कह रहे थे कि 2 या 3 दिन बाद ना वो देहरादून जाएंगे फिर वहां से बाइक लेके आ जाएंगे। भाई उन्होंने बोला कि जब हम उनके घर पे जाएंगे कल तो मैं आपकी वीडियो कॉलिंग बात करा दूंगा। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था क्योंकि तुम लोगों को पता है, मेरी जनता को पता है कि भाई मैं कितना ज्यादा उनसे वो होता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पायर भाई यूट्यूब के लिए। और सोचो कि हमारा जो सबसे अच्छा यूट्यूबर जिसे मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ वो ही अगर सामने दिखे तो वीडियो कॉलिंग में भाई मैं क्या बोलूंगा। कुछ क्लिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ अपनी वीडियो के द्वारा, तो एक बार आप ये चेक करो। संतोष नाम ना भूल जाता है एक्चुअली। हाँ जी हाँ जी संतोष, पहले तो थैंक यू सो मच इतनी बढ़िया सर्विस देने के लिए। हाँ जी और इतनी बढ़िया मतलब सर्विस है यहाँ की, प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया, फूड क्वालिटी इतनी अमेजिंग है कि बता नहीं सकते। हाँ जी हम लोग का वो सामने वाला वो देखो विला था और आज हमारा जो है दूसरा तीसरा दिन है यहाँ पे, तीसरा दिन। पर नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे जरूर आएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ बाबू भैया के पास, आप लोग के बाबू भैया जा, बाबू भैया को तो खैर तभी जानता हूँ, अनुराग के पास मैं जा रहा हूँ उसकी बाइक लेने H2। जान रहे हो ना H2, मैंने ही दिलाया था उसको, भी मैं लेने जा रहा हूँ एक वो दूसरी बाइक एक्चुअली मैं ले रहा है। अच्छा बाबू भैया अगर मिलना है तो भाई का चैनल जाके, हाँ जी हाँ जी, मालूम ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब और शेयर करो। लेकिन वाकई में बहुत मजा यार यहाँ पे, जब भी आऊंगा जरूर संतोष तुमसे मिलूंगा। हाँ जी हाँ जी, लखनऊ में अगर कोई या यूपी में कोई भी है अगर संतोष के चैनल के थ्रू आता है मेरे शोरूम पे तो हम उसको स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, डिस्काउंट देंगे मतलब अलग से कूपन लगा के, बस संतोष का नाम लेना कि संतोष के चैनल के थ्रू आए। बाकी बहुत अमेजिंग जगह है, मतलब मजा आ गई, शेर तो मतलब समझ लो सामने घूमते रहते वाले लोमड़े की तरह। लोगों के भी हम फीडबैक लेते हैं फटाफट अपने जो साथ वाले हैं। तो अभी चलते हैं सर की फैमिली के साथ और उनसे पूछते कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे। तो शिवांग भाई कैसा आपका रहा फीडबैक? बहुत बढ़िया, ऐसी जगह रौनक भाई ने बनवाई। हाँ जी हम लोग के लिए भाई लोग ने बहुत दौड़ा भागा, सारी चीजें करी और बहुत अच्छी सर्विसेज दी, इसके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया विले बनाए हैं, मतलब एक अलग तरह का फील है यहाँ का। ये थोड़ा सा अंदर है रोड से, मगर एक नंबर जगह है, थोड़ा अंदर आना पड़ेगा, मगर ये है कि पूरा नेचुरल फील है। और स्पेशली इनके लिए देखो आया गया, इनकी शक्लें आप देख ले पहले। हेलो मैम, इनका बर्थडे मनाने हम लोग आए थे, इनका बर्थडे मनाने स्पेशली आए थे यहाँ पे। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा, सर्विस बहुत अच्छी है और व्यू भी बहुत अच्छा है, कॉटेज वगैरह जो भी बने हुए हैं सब बहुत अच्छा व्यू है यहाँ। फूड मतलब जी चाह रहा है कि भर के खाते रहे पूरे दिन भर, कहाँ भी लाते हैं सर, ये नेचुरल पहाड़ी स्टाइल है, ये कोई विदेशी नहीं है खाने का। फूड क्वालिटी तो मतलब इतनी अच्छी है, बंदे बंदिया तो नहीं देखा लेकिन बंदे ग्रेट है, बंदिया भी पार्टी, पूल भी पार्टी, यहाँ पूल भी बहुत अच्छा बना हुआ, पूल पार्टी में बहुत एंजॉय किया, इतना अच्छा बना हुआ है।
आप लोग आइएगा जरूर यहाँ रिजॉर्ट में 10 में 10 और इसका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ जी हाँ जी आपने बाबू भैया से मिलना है तो ठीक है सर आपकी हैप्पी जर्नी ठीक है दिल से आपको ओके ठीक है सर और सर आप थोड़ा कॉल करना बाबू भैया को वीडियो कॉलिंग बाबू भैया को जरूर पहुंचते ही कर लेना याद कर रखना मैं आपको कॉल करूंगा बाबू भैया को जाके वीडियो कॉल से बात करा हाँ करा देना घर पे ना फिर अभी मिला दूं नहीं अभी नहीं सर अभी मैं कुछ कुछ बोल नहीं पाऊंगा ना सर भैया तुम्हारे यूके अपना छोटा भाई सर एक बार अनुराग आ गया देखो बाबू भैया हाँ जी अभी बात हुई है नहीं नहीं नंबर नहीं दिखेगा जा रहा हूँ उसी के पास चलो सर नई बाइक उसकी आ रही देखना तुम्हें बढ़िया और उसको और बाबू भैया को भी और सपोर्ट करो छोटा भाई है और उसको सपोर्ट करो उसको तो जरूरत है नहीं वो 6 मिलियन पहुंच गए सो गाइस अभी यहाँ से सर लोग निकल रहे हैं ओके मैम हैप्पी जर्नी और बाकी लोग यहाँ पे खड़े हैं कोई नहीं सर हम गेट तक आपको अलविदा करेंगे सो गाइस हाँ जो बाइक बाबू भैया से ली है वो नीतीश भैया ने ली है और वो कह रहे थे कि 2 या 3 दिन बाद ना वो देहरादून जाएंगे फिर वहां से बाइक लेके आ जाएंगे भाई तो आज मैं उनसे मिला था बहुत अच्छा लगा मिलकर सच में मैंने उनसे बोला कि आप नेक्स्ट टाइम जरूर आना उन्होंने बोला कि आपके गाँव में विजिट करेंगे गाँव में घूमेंगे और लोकल में आप मुझे दिखाना कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वैसे मैं उनसे मिल नहीं पाया ज्यादा देर क्योंकि मैं कल पेपर देने गया था आप लोगों को पता ही है और आज मैं उनसे मिला मॉर्निंग में तो फिर वो चले गए थे लेकिन जितना भी टाइम मैंने उनके साथ बिताया ना भाई उसमें जो एंजॉय आया ना मुझे मजा आ गया भाई कसम से यार और उन्होंने ना अपनी स्टोरी भी लगाई थी मेरे साथ कि संतोष भाई यहाँ पे रहते हैं लोकल में सो आज जिम कॉर्बेट में हमारा दूसरा दिन था और आज हम चेकआउट कर रहे हैं बहुत दुख हो रहा है यार इतनी बढ़िया मेमोरीज है यहाँ की शिवांग हाँ भाई कैसा रहा दिन अरे एक नंबर जगह आप लोग यहाँ आइए विजिट करिए यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ की सर्विस मजेदार कैसा फीडबैक है तुम्हारा बहुत अच्छा रहा हम लोगों का यहाँ 2 दिन हम लोग जो रुके हैं ना जो फील इतना मेमोरेबल डे है बता नहीं सकते और ये अपना छोटा भाई हमारा यहाँ पे अपनी जनता देखो हर जगह मिल जाती है देखो संतोष इसका यूट्यूब पे चैनल है और ये यही लोकल से है कहाँ पे यहीं से हो ना जिम कॉर्बेट के ठीक सामने जहाँ पे शेर रहता है अगर शेर वेर देखनी ना तो उसका मैं इंस्टाग्राम लिंक डालना उस पर जाके देखना इसको कांटेक्ट कर लेना तुम्हें शेर वेर ऐसे ही दिखवा देगा और भाई को भी जाके फॉलो कर लेना भाई भी यहाँ के मैनेजर है समझ जाओ चैनल का लिंक लगवा दो ना तो लेकिन सीरियसली प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया है फूड क्वालिटी इतनी अच्छी मतलब बता 10 में से 12 मतलब अमेजिंग सर्विस है भाई बहुत सही जरूर विजिट करो तो दोस्तों ये वाली वीडियो इतनी होने वाली है मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि जो बाबू भैया की S2 है वो नीतीश भैया ने सेल करी है और भाई बहुत जल्दी वो आएंगे यहाँ पर अपने S2 लेके तो उनसे मिलेंगे आराम से नंबर नंबर है मेरे पास और बाकी उनके छोटे भैया थे ना जो उनने भी मेरे को नंबर दिया है उन्होंने बोला कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा ना देहरादून में बाबू भैया के घर पे तो वो मुझे वीडियो कॉलिंग करेंगे और आप बात कर लेना भाई वेट करते हैं 2 दिन बाद अगर उनका कॉल आएगा तो फिर बात करेंगे बाकी भाई मैं इस वीडियो में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ऑलरेडी जो टॉपिक था मैंने उसके बारे में बता दिया है जैसे कि आपको पता है भाई आजकल जो है यूट्यूब में एक ही न्यूज चल रही है प्रो राइटर 1000 कस्ते चौहान का जो एक्सीडेंट केस था वो अभी भी मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है पब्लिक के सामने पुलिस के सामने या कुछ भी फोटोज अभी तक आ नहीं पा रही है सामने कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है कोई बोल रहा है कि ये हिट एंड रन का केस है कोई बोल रहा है कि ट्रक ने ठोक दिया कोई बोल रहा है उनके कैमरे चुरा के ले गया भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि आजकल यूट्यूब खोलते भाई फ्रंट पे भाई सब वीडियो वही है वो इस बात को बाद में करते हैं फिलहाल जो भी है मैं तो चाहता हूँ कि भाई जो भी चीज़ है ना भाई सामने आ जाए उनका एक्सीडेंट केस कैसा हुआ तो गाइस फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में वो भी बाबू भैया के साथ वीडियो कॉलिंग पे ठीक है भाई और थैंक यू सो मच ये बात नीतीश भैया के लिए कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया मतलब मुझे इतना ज़्यादा एग्रेसिव किया भले ही मेरी बात होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता उनसे लेकिन जो भी है ना भाई भैया ने एक बार बोला है ना कि कराऊंगा तो कराऊंगा यार मुझे भरोसा है भैया पे और भैया मेरी वीडियो जरूर देख रहे हैं वाले तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और जिसने लाइक नहीं किया ना भाई लाइक भी कर दो ठीक है लाइक करो यार तुम लाइक नहीं करते भाई 400 व्यू आते हैं उसमें भी कम से कम 40 लोग लाइक करते हैं कम से कम 400 व्यू में 100 लोग तो लाइक कर ही दो यार भाई ठीक है भाई।